गुजरात में कोरोना कहर 24 कलाक दरमियान राज्य में कोरोना 1515 नवा केस नोधाया जेना कोरोना वधु 9 दर्दी मृत्यु 24 कलाक में 1271 दर्दी ने डिस्चार्ज अपायो। अमदावाद में कोरोना की स्थिति खूब गंभीर 24 कलाक में अमदावाद में कोरोना 373 नवा केस आया। अमदावाद शहर 354 और जिला 19 केस शामिल। कोरोना की 5 दर्दी मौत सारवार बाद 322 दर्दी ने हॉस्पिटल में रजा अपाई जेमां अमदावाद शहर 310 और जिला 12 दर्दी शामिल। अमदावाद में आवतीकाले सवारे कर्फ्यूनी मुदत पूर्ण थई रही छे त्यारे आजे सांजे मळनारी कोर कमिटीनी बैठक में आ अंगे लेवाशे निर्णय। मुख्यप्रधान नायब मुख्यप्रधान चर्चा करी कर्फ्यू अंगे निर्णय करे तेवी शक्यता। अमदावाद में कर्फ्यू बीजो दिवस वाहनों की धमधम तो शहर एसजी हाईवे बनो सुमसाम। रोड पर पसार तमाम वाहनों पुलिस द्वारा सघन चेकिंग। शहर प्रवेश तथा रस्ता पर चेकपोस्ट बनाई पुलिस की कड़क कामगिरी। उत्तर प्रदेश से अमदावाद आवेलो 13 युवकों अटवाया। आ युवकों ने अमदावाद में कर्फ्यू होवानी जाण न होवाथी मुश्किल में मुकाया। आवी स्थिति में वाहन चालकों गैरलाभ उठाता लोगों ने मजबूरी में व्यक्ति दीठ 400 रुपया भाड़ू चुकवु पड़ी रू छे। कर्फ्यू ने कारण अमदावाद में शांतिपुरा सर्कल पर अटवायेला परप्रांतीय श्रमिकों कनेक्टिंग बस समय ने लेने परप्रांतियों में मूंझवण। बस क्यारे मळशे क्यां सुधी लई जशे तेवा अनेक सवालों। अमदावाद में कर्फ्यू बीजा दिवसे कालुपुर रेलवे स्टेशन पर बाहर गाम थी आवता मुसाफरो की भारे भीड़। रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टन्स नियमों थयु उल्लंघन। एएमटीएस बस में बेसवा माटे मुश्किली पड़ी रही छे। अमदावाद एरपोर्ट पर मुसाफरो धसारो। कैब चालकों कर्फ्यू उठावी रहा है गैरलाभ। बहार ग्राम थी आवता मुसाफरो पासे थी भाड़ा पेट वसूली रहा है बमणू भाड़ू। अमदावाद में कर्फ्यू भंग 250 केस नोधाया। जाहिरनामा उल्लंघन और कर्फ्यू भंग बदल 300 लोगों सामे गुनो नोंधी अनेक लोगों ने करी धरपकड़। पुलिस की कार्यवाही दरमियान एक पण घर्षण नहीं बन्यो बनाव। अमदावाद पुलिस कमिश्नर महत्वनु निवेदन। कहूं कर्फ्यू वधारवामां आवशे तो पण पुलिस कड़क पालन करावा सज्ज। प्रजानो सारो प्रतिसाद मळी रह्यो छे। कायदानो भंग करशे तो कायदेसरनी कार्यवाही कराशे। अमदावाद में 34 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। एसपीनी मंजूरी बाद टेस्ट करावाना आदेश थी पुलिसकर्मी कचवाट फैलायो। जो कि हालना माहौल में पुलिसकर्मियों ने रजा लेवा पर मुकायो छे प्रतिबंध। अत्यार सुधी 850 पुलिसकर्मी थया छे कोरोना शिकार। अमदावाद में खानगी हॉस्पिटल द्वारा कृत्रिम रीते बेड की अछत उभी करने पैंतरो सामे आव्यो। बिनजरूरी दर्दी ने बोलावी पथारी भरवामां आवती होवानी कोर्पोरेशने मळी फरियाद। कोर्पोरेशने तात्कालिक आ प्रकारनी प्रेक्टिस बंद करवाना करे आदेश। जो आ प्रक्रिया चालू रहेशे तो कार्यवाही करवानी अखबारी यादी मार्फते तंत्रए आपी चीमकी। गुजरात में कोरोना केस में वधारो थता दवा इंजेक्शन की मांग में वधारो थयो छे। 5 दिवस में ऑक्सिजन दैनिक उपयोग में 30 मेट्रिक टन वधारो नोंधायो। अत्यार सुधी में 1 लाख की वधु दर्दियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन अपाया। राज्य में प्रति 10,000 टेस्ट दीठ सौथी वधु केस राजकोट और वडोदरा में नोंधाया। 10,000 टेस्ट में वडोदरा में 450, राजकोट में 452 केस आया जयरे अमदावाद में 188 और सूरत में 209 केस नोंधाया। गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में पॉजिटिव दर्दी की संख्या में वधारो। हॉस्पिटल में 180 बेड वधारवानी तंत्र की तैयारी। हाल 210 ऑक्सिजन बेड में वधारो करी 300 जेटली संख्या कराशे। उत्तर गुजरात दर्दियों ने सारवार माटे गांधीनगर सिविल में कराए छे ट्रांसफर। कोरोना केस ने लई अमदावाद सिविल हॉस्पिटल सुप्रिंटेन्डेंटे कहूं कि कोरोना केस वधता हॉस्पिटल में बेड की सुविधा में वधारो करायो छे। आईसीयू बेड पर खास ध्यान आपवामां आव्यु होवानो पण तेमणे उल्लेख कर्यो। सिविल में हाल 700 दर्दी सारवार हेठळ होवानी पण तेमणे माहिती आपी। अमदावाद सिविल हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल कोविड सेंटर में फेरवाता कैंसर दर्दियों ने भारे हालाकी। कैंसर की 100 सर्जरी मौकूफ राखवानी पड़ी फरज। सर्जरी माटे अठवाडिया पछीनी अपाई तारीख। एमबीबीएस बॉन्डे डॉक्टर तात्कालिक हाजर थवा घरे पहुंचा लेटर। जिला पंचायत आरोग्य शाखा में सवारे 10:30 हाजर थवानो हतो लेटर। 200 वधु डॉक्टर जिला पंचायत पासे आरोग्य शाखा पर हाजर थया। 6 महानगरपालिका गवर्नमेंट कॉलेज 900 वधु डॉक्टर ने मळ्या छे लेटर। अमदावादनी असरवा सिविल हॉस्पिटल में संक्रमण शिकार बनेला 60 कोरोना वॉरियर्स सारवार हेठळ जेमां डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ सफाईकर्मी मेडिकल और पेरामेडिकल स्टाफ नो समावेश। अमदावाद में चांदोड़िया की अनेक सोसायटीओ ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मुकाई। छेल्ला 4 दिवस में अनेक सोसायटीओ में आया कोरोना ना केस। सोसायटीओ ने सैनिटाइज न कराता स्थानिकों में रोष। अमदावाद में बोपल विस्तार में कोरोना विस्फोट। सफल 1 बिल्डिंग में 42 और सफल 2 बिल्डिंग में 38 मिली कुल 80 केस पॉजिटिव आया।
અમદાવાદમાં ગુરુકુળની એક સોસાયટીમાં 5 પરિવારના લોકો સંક્રમિત થયા, જ્યારે પાલડી, સોલા, ભાગવત વિદ્યાપીઠ, થલતેજમાં પણ આવા પરિવારો છે જેમાં ઘરમાં તમામ સભ્યો ચેપગ્રસ્ત થયા. અમદાવાદમાં આવેલા પ્રભાત ચોક અને અખબારનગર ખાતે ટેસ્ટિંગ સેન્ટરમાં લોકોની લાગી લાંબી લાઇન. વહેલી સવારથી લોકો કોરોના ટેસ્ટિંગ માટે લગાવી લાઇન. અમદાવાદ શહેરમાં કરફ્યુ વચ્ચે પોલીસની પ્રશંસનીય કામગીરી. અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફૂટપાથ પર રહેતા ભિક્ષુક અને ગરીબ લોકોને પોલીસે ફૂડ વિતરણ કર્યું. 10,000 જેટલા લોકો માટે સવાર સાંજ જમવાની શહેર પોલીસે કરી વ્યવસ્થા. અમદાવાદમાં વાયુ પ્રદૂષણનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે. શહેરમાં લાગેલા કરફ્યુના કારણે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ 90 પર પહોંચ્યો, જ્યારે નવરંગપુરા, 74, પીરાણા વિસ્તારમાં 94 એર ઇન્ડેક્સ નોંધાયો. સૌથી વધુ રાયખડ વિસ્તારમાં 120 એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ નોંધાયો. સુરતમાં કોરોનાની સ્થિતિ ચિંતાજનક. 24 કલાકમાં સુરતમાં કોરોના 262 નવા કેસ આવ્યા. સુરત શહેર 211 અને જિલ્લામાં 551 દર્દી સામેલ. કોરોનાથી વધુ 3 દર્દીના મોત થયા. સારવાર બાદ 218 દર્દી ડિસ્ચાર્જ. સુરત શહેરના 179 અને જિલ્લાના 39 દર્દી સામેલ. સુરતમાં દુકાનોમાં જામતી ભીડને લઈને તંત્ર હરકતમાં. રાજમાર્ગ પર આવેલી દુકાનો કરાઈ બંધ. રાજમાર્ગની દુકાનો પર ભીડ જામતી હોવાથી તંત્રે કરી કાર્યવાહી. સુરતમાં આવેલું ચૌટા બજાર બંધ કરાયું. બજારમાં લોકોની ભીડ બેકાબુ બનતા પાલિકા કમિશનરે બજાર બંધ કરવાનો આપ્યો આદેશ. હવે જ્યાં પણ ભીડ જોવા મળશે તે જગ્યા પર બંધ કરવા માટે તંત્રની તૈયારી. સુરતમાં રાત્રિ કરફ્યુ જાહેર કર્યા બાદ પણ સવારે લોકોની બેદરકારી જોવા મળી. માર્કેટમાં જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ લેવા માટે લોકોની ભીડ જામી. માસ્ક વગર સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો લોકોએ કર્યો ભંગ. સુરત એપીએમસી માર્કેટની બહાર પણ ઉમટ્યા મોટી સંખ્યામાં લોકો. સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના વોરિયરનું મોત થતા પરિવારે મળી રૂપિયા 50 લાખની સહાય. નર્સિંગ સ્ટાફમાં ફરજ બજાવતા સુનિલ નિમવાને થયો હતો કોરોના. સહાયરૂપે ભાજપ પ્રમુખે 50 લાખનું ચેક કર્યું અર્પણ. સુરત પાલિકા દ્વારા ધન્વંતરી રથ ફરીથી શરૂ કરાયા. શહેરમાં કોરોના માથું ઊંચકતા 88 જેટલા રથ શરૂ કર્યા. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 265 વધુ રથ દોડાવ્યા અને લોકોના કોરોના ટેસ્ટની કામગીરી હાથ ધરાઈ. રાજકોટમાં કોરોના ફરીથી વરસાવ્યો કહેર. 24 કલાકમાં કોરોનાને કારણે વધુ 5 દર્દીના મોત થયા. રાજકોટ શહેર અને જિલ્લાની હોસ્પિટલમાં સારવાર લેતા દર્દી